सो बेटे हमने नेमिंग स्टार्ट करी थी एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट सफिक्स प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट. ठीक है, सो व्हाट इज प्रीफिक्स? जैसे मिस्टर मिस नाम के आगे लगता है, डॉक्टर इंजीनियर लगता है कि आपने क्या डिग्री ली हुई है, दैट इज अ प्रीफिक्स. ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो देयर आर टू प्रीफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी यूज होता है फॉर द साइक्लो कंपाउंड, अगर हमने कुछ बताना हो कि हमारा साइक्लो कंपाउंड्स है. ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि हेलो एल्केन्स, तो उनके लिए प्रीफिक्स लगता है, उनके फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स नहीं लगता. ठीक है, जैसे अगर मैंने हेलोजन का नाम देना हो तो विल डू फर्दर, कि इसमें क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल इन हेलोजन, ठीक, वर्ड रूट, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एंड सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें हाइड्रोकार्बन बताता है एंड सेकेंडरी सफिक्स हमें उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ये बताएगा. सेकेंडरी में हेलोजन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जैसे 2-methyl-ethyl ये भी होता है. समझ आ गई? जब नेमिंग करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगी. रूल्स तभी जब अप्लाई करना शुरू करते हो तो रूल्स आप भूल जाते हो, अपने आप ही याद हो जाते हैं रूल्स. ठीक, अब स्टार्टिंग हम करते हैं बेटे एल्केन से. एल्केन से पहले फर्स्ट 10 के वर्ड रूट लिख लो, धीरे धीरे जैसे और आते जाएंगे और तो कम ही आएंगे, फर्स्ट 10 कर लो. फॉर द 10 अगर एक कार्बन एटम हो तो इट इज मिथ. वन कार्बन एटम, दैट इज मिथ. देन टू, एट, अनडेक, डो डेक, आगे चलते रहते हैं. ठीक है, आप इधर तक करो पहले. ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम नहीं करेंगे, अनडेक डो डेक सब चलते रहने, आगे भी चलते रहते हैं बेटे, कोई खत्म नहीं होते हैं क्योंकि इतना नॉमेनक्लेचर प्लस वन की लेवल में नहीं है. जेईस के लिए आप आगे अपने अलग से करते रहा करो. ठीक है, प्लस वन की लेवल में इतनी बड़ी बड़ी चेंज नहीं आती, चाहे वो ट्वेल्थ में है. सिंपल आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पता होनी चाहिए कि कैसे आप नेमिंग सिंपल की करोगे या आप करोगे, जब उसका कॉमन नेम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हमने क्लास ट्वेल्थ में प्रेपरेशन करनी है तो कन्वर्जन्स में जो सिंपल सिंपल नेम्स हैं वो पहले, और सिंपल भी आपको सिंपल नहीं लगते हैं. आप ये चाहते हो कि जो हम अकेडमीज में करके आते हैं और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पहले एक्स्ट्रा बाद में कर लेंगे, जो आना है वो करो. ठीक है, और वो ही नहीं होना आपसे फिर, अभी तो शुरू होने दो पहले. ठीक, अब आज बेटे स्टार्ट करते हैं एल्केन से. तो अगर एक कार्बन वाली एल्केन हो तो हम क्या बोलेंगे? टू कार्बन वाली, थ्री, फाइव. ब्यूटेन बेटे, एन ब्यूटेन भी होती है और आइसो ब्यूटेन भी होती है, पहले ये सीखो सारी चीजें. ठीक है, कार्बन एटम वन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब बेटे जब
इसको एन प्रोपेन, एन का मतलब नॉर्मल बोलोगे, दिस इज एन प्रोपेन, ये हम आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं। कॉमन नेम में इनके आगे एन लग जाता है, आइसो लग जाता है, सेकेंडरी लग जाता है, या नियो, ऐसे ग्रुप आ जाते हैं। मगर अब जैसे प्रोपेन है, इसी प्रोपेन को देखो, ये एन ही रहेगी, आइसो प्रोपेन नहीं बनेगी, मगर ये आइसो प्रोपाइल जरूर बनेगी, कोई और फंक्शनल ग्रुप ले आओगे तो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका कॉमन नेम तो ये एन प्रोपेन ही रहेगा। जैसे अगर मैं ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन है, और अगर मैं ए कार्बन उठा के इसका यहां ले आऊंगी, तो ये तो होगी एन ब्यूटेन, ये नॉर्मल है, सीधी है, और जब हम कार्बन नीचे ले आए तो आइसोब्यूटेन होगी, और इसका वो हम धीरे धीरे करेंगे। अभी समझ आते हैं, सारे समझ आते हैं, वेट करो, सब्र दा फल मीठा होंगे, जल्दी आंदा नाले, जल्दी आंदा। ठीक है, अब हम देखो बेटे, सीखो आइसो सेकेंडरी नियो कैसे होते हैं। ठीक, तो हम ये डिफरेंस देखते हैं, जस्ट स्टार्ट इट। दिस इज बेटे प्रोपेन, इट हैज टू कार्बन एटम, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो भी मैं बताती हूँ, रुक जाओ, वेट किया करो, 1 मिनट सबर करो। प्राइमरी बेटे, प्राइमरी वो होता है जो एक ही कार्बन एटम उसके आसपास, ये आप दो नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि ये एक ही एल्काइल, इसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है आर ग्रुप। ठीक, आर, आर क्या होता है, आर कैन बी एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, मींस आर कैन बी 1, आर कैन बी 2 कार्बन, ठीक, आर कैन बी 3 कार्बन। आर मींस एल्काइल ग्रुप कोई भी, जैसे आप मैथ में इंटीजर बोलते हो एन, एन का 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक में एक आर ग्रुप बोला जाता है, आर का मतलब है एल्काइल फंक्शनैलिटी। ठीक, आर ग्रुप अगर एक कार्बन एटम होगा तो हम कहेंगे आर की वैल्यू क्या है, 1, then 2, then 3, ऐसे। ठीक है, एल्काइल कहेंगे क्योंकि ये एल्केन से आता है। ठीक है, अब अगर एक कार्बन एटम एट ए टाइम एक ही कार्बन से लिंक है, ठीक है, एट जो उसके बिल्कुल नेबरिंग है, तो दैट इज अ प्राइमरी कार्बन। ठीक, और वो कार्बन एटम जो एट ए टाइम 2 कार्बन एटम से लिंक है, जो डायरेक्टली लिंक में आती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, अगर हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले आए जैसे कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप या हेलो एल्केन जैसे फंक्शनल ग्रुप जो आगे लेके आएंगे, अगर हम प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, अब प्राइमरी तो 2 है, हमारी मर्जी, हम जहां से मर्जी रिमूव करें, प्राइमरी कार्बन कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो, एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो और इसकी जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले आते हो, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैं लिख नहीं रही, तो बेटे ये एक सब्स्टिट्यूएंट की, ये एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नहीं चला जाता, अब ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे बोलोगे, अब इसको बोलोगे प्रोपाइल, ठीक है, हम प्रोपेन नहीं बोलेंगे, ये कॉमन नेम्स में यूज होगा। ठीक है, अब इसको बोलोगे प्रोपाइल, और कौन सा प्रोपाइल है, सीधी चेन से लिया गया, तो ये एन प्रोपाइल है, दैट इज कॉल्ड
एन प्रोपाइल, अगर मैं यहाँ पे OH ले हूं, तो ये एन प्रोपाइल एल्कोहल है, दैट इज अ कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम को लोगे तो प्रोपेनॉल बोलोगे। जो ये प्रोपाइल आइसो चीज है ये कॉमन नेम्स में यूज होता है, समझ आ रही है? तो दैट इज एन प्रोपाइल कुछ भी एल्कोहल या हैलाइड कुछ भी, ये नॉर्मल है, दैट इज अ नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक। और अगर एल्कोहल ले आएंगे तो एन प्रोपाइल एल्कोहल, हम आगे देखेंगे, अभी लिखो, ठीक। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन एटम रिमूव कर दूं सिर्फ प्रोपेन का, इफ आई विल रिमूव सेकेंडरी कार्बन एटम और इसकी जगह पे कार्बन एटम कह रही हूँ, आई विल रिमूव एन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कुछ ले आए, जैसे कि अगेन मैं OH ले आऊं, तो इट विल बी आइसोप्रोपाइल, दैट विल बी आइसोप्रोपाइल, तो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एनीथिंग आइसोप्रोपाइल, बट इट इज, ठीक है, दैट इज अ कॉमन नेम। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इन IUPAC नेम यू विल से प्रोपेन टू ऑल, ठीक, टू क्लोरोप्रोपेन, ऐसे बोलोगे पूरा, ये कॉमन नेम्स में यूज होती है ये चीज, ठीक है। कॉमन नेम में एन या आइसो की बात करते हो, और प्रोपेन में दो ही होती हैं बेटे, एन एंड आइसो, ठीक, समझ आ रही है, ठीक। तो ये प्रोपेन की बात होगी पहले, अब आ जाओ ब्यूटेन, लेट मी टॉक अबाउट ब्यूटेन। अगेन इन ब्यूटेन आई कैन राइट ब्यूटेन इन टू वेज, फर्स्ट दिस इज बेटे वन ब्यूटेन, इन दिस वे द ब्यूटेन कैन बी रिटर्न, and the second way to write butane is this one, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब ऐसा L, ये जो सेवन बन रहा है जब बने तो ये आइसो बन जाता है, ठीक, ये आइसो बन जाता है। ध्यान पहले सुनो, ध्यान से, ये सीधी चेन है, जब सीधी में होगा तो यू हैव अ प्राइमरी एंड यू हैव अ टू सेकेंडरी एंड वन प्राइमरी, ठीक है। दिस कार्बन इज प्राइमरी बिकॉज एट ए टाइम इट इज लिंक टू वन आर ग्रुप हेयर, ठीक। दिस इज सेकेंडरी, इट इज लिंक हेयर विद द कार्बन ग्रुप, हेयर विद द कार्बन ग्रुप, ओके। नाउ कमिंग टू दिस, ठीक, यू हैव प्राइमरी, दीज ऑल आर प्राइमरी, ठीक है। दिस इज अ टर्शरी because at a time it is attached with the three carbon atom, that is a tertiary, ठीक है। so this is a primary, this is a tertiary carbo atom। अब सिर्फ एंड सिर्फ प्रोपेन में बेटे, जब आप, क्योंकि एक ही चेन बन सकती है, प्रोपेन में आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्यों? मैंने एक वायर ली, मैंने ऐसे कर दी, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है उसको, मैंने कार्बन तो नहीं अपनी पोजीशन से हटाया, आइसोमर्स में कार्बन पोजीशन से हटने चाहिए। मैंने तीन कार्बन लिए सीधे थे और मैंने एक कार्बन ऐसे नीचे कर दिया, उसको मैं तो वापस सीधा कर दूंगी, तो वो अपनी पोजीशन से नहीं गया, पोजीशन उसकी यही है। ऐसे लिखना या सीधा लिखना एक ही बात है, इसको कोई चेंज नहीं हुआ कार्बन एटम की पोजीशन में, मगर ब्यूटेन में ऐसे लिखना और इसको यहां से उठा के यहां लेके आना, तो एक कार्बन से तोड़ के आप दूसरे पे लेके आए हो, तो ये दूसरा कंपाउंड है। इसको ऐसे लिखना, सीधा लिखना एक ही बात है, सिर्फ रिंग को, जो आपने एक स्ट्रिंग ली है उसको ऐसे किया बस। इस केस में आप स्ट्रिंग का एक बीड उठा के यहाँ लेके आए हो, तो ये दो आइसोमर्स हैं, वो आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब सिर्फ मैं अभी क्या बोल रही थी, प्रोपेन में सिर्फ बेटे एन प्रोपाइल और आइसो होता है, ठीक, जब हम ये करते हैं। इस केस में अगर आप प्राइमरी से रिमूव करोगे तो दिस इज एन ब्यूटाइल होगा, ठीक, मगर जब सीधा लगा के सेकेंडरी से रिमूव करोगे तो दैट विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल होंगे, आइसो नहीं बनेगा, समझ आ रही है। प्राइम इस केस में, सिर्फ इस केस में एन और आइसो होता है, क्योंकि इस केस में एक ही चीज होती है, देयर इज नो अदर आइसोमर,
तो देर इज एन एंड आइसो ओके, बट इन केस ऑफ ब्यूटेन, इन केस ऑफ ब्यूटेन यू हैव, अगर मैं यहां पे मान लो OH ले आऊं एक हाइड्रोजन रिमूव करके, और फर्स्ट कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन रिमूव करके OH ले आऊं, तो ये बनेगा सेकेंडरी, इसके आगे लिखे हुए सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन से रिमूव किया है, तो दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, सीधी चेन रखी है, प्राइमरी पोजीशन से रिमूव किया है। अगर आप सेकेंडरी पोजीशन से रिमूव करोगे, आप इसको आइसो नहीं बोलोगे, सिर्फ आइसोप्रोपेन तक है, सिर्फ प्रोपेन तक, आगे हर बारी आप एक सेवन बनाओगे और प्राइमरी से रिमूव करोगे तभी वो आइसो बनेगा, चाहे वो आगे पेंटेन आ जाएगी, चाहे वो आगे हेक्सेन आ जाएगी, देखो एक सेवन बनाओगे और प्राइमरी से रिमूव करोगे तभी आप आइसो बोलोगे, याद रखना ये बात, क्योंकि ये बारी बारी रिपीट आने हैं आइसो तक, आगे समझ आ, जज ना क्या करो बेटे अपने टीचर्स को, टीचर स्टैंडिंग हियर दे नो वेरी मच, वो मुझे पता है आप कहाँ कहाँ से बोलते हो, आपको सारा समझ आया ना, एक दिक्कत ये है कि विल सी फादर आई विल सी नाउ, ठीक है, अब ये देखो वन टू थ्री और एक मैंने नीचे कर दिया, ये दूसरा आइसोमर है, अब जब आप प्राइमरी से रिमूव करोगे सेवन बनाने के बाद प्राइमरी कार्बन एटम से रिमूव करोगे, तब आपका क्या रहता है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, समझ आ रही है, सेवन बनाने के बाद यू विल रिमूव, देन यू विल गेट हियर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, और अगर टर्शरी से रिमूव करोगे दैट इज अ टर्शरी, जैसे बोलोगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगी आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ऑर्गेनिक को जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी होगी, जहां पे मैं लिखने को मना करती हूँ ये जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, अगर मैं OH यहां ले आऊंगी दैट इज टर्शरी पोजिशन, दैट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, अगर टर्शरी कार्बन एटम से आप रिमूव करोगे दैट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल, अगर आप प्राइमरी से रिमूव करोगे तो आइसो, सीधे वाले प्राइमरी से रिमूव करोगे तो एन, सेकेंडरी से ही रिमूव करोगे तो सेकेंडरी, सिर्फ प्रोपेन को छोड़ के, ठीक है, अब बनाओ, चलो पेंटेन बनाओ, हरी अब पेंटेन सीधी बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी, पेंटेन के कितने आइसोमर्स आ रहे हैं, तीनों आइसोमर्स बनाओ जा रहे, पेंटेन के तीन आइसोमर्स आएंगे आपके भाई, ये तो टेंथ में करे हुए हैं, चेन आइसोमर्स नहीं करे हुए, नहीं मैंने मुझे कि ये अभी करवाओगे नहीं अच्छी लगती मेरी बातें, ऑलवेज डजंट मीन दैट अ टीचर शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट इन द क्लास देन ओनली, अरे चलो बेटे ये पेंटेन एंड दिस इज पेंटेन, अगर एक आपने, मैंने क्या समझाया, आपने क्या बनाना है सेवन,
एक सेवन वाला बना दो। एक सेवन वाला बन गया। अब इसको उठा के मैं यहां पे भी तो लेके आ सकती हूँ, इसको और बंद कर देती हूँ, तो ये एक और बन गया। सीधी बनाई, एक सेवन बनाओ पहले, फिर दो कार्बन बचे, हाँ इसी के ही सेवन बना दो एक। ये पेंटेन ली है ना, तो तीन कार्बन सेवन की फॉर्म में अरेंज करके बाकी दो आगे लगा दिए, लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि सेवन लगने के बाद दो कार्बन आगे आ रहे हैं, तो उसमें से एक कार्बन उठा के वो सेवन में मर्ज कर दिया। सेवन आपको सिखाना है कि जब ऐसे सेवन कुछ बन रहा हो, ठीक है, तो आइसो बनेगा। आइसो, क्योंकि बच्चे आइसो में कंफ्यूज रहते हैं, आइसो बहुत रिपीटेडली आएगा। ऐसे कार्बन बना के दिस ऐसे, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी पोजीशन से रिमूव करोगे, उस कंपाउंड को आइसो ही बोला जाता है। हाँ लगा दो, दिस इज योर विश कि यहाँ पे आप आइसो बनाओ तो यहाँ पे प्राइमरी कर दो, वो आपकी मर्जी है, दैट इज योर विश। चेन किधर काउंटिंग करना शुरू कर देना, वो मैं बोल दूंगी टू मिथाइल, देन दिस इज टू मिथाइल ब्यूटेन, तो अभी टू मिथाइल ब्यूटेन ही है, कुछ तो चेंज नहीं हो गया, मैंने काउंटिंग वहां से शुरू कर देनी है। याद आ गया, शुक्र आ गया। अरे बेटे सीधी चेन, अब ये सीधी चेन में प्राइमरी से हटाओ, चलो बनाओ सीधी चेन में प्राइमरी से हटा के ब्यूटा एल्कोहल बनाओ। सीधी चेन प्राइमरी कार्बन कितने हैं, हाय राम बेटे, इसमें देखो ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है। अभी मैंने क्या समझाया समझो, मैं अभी लिख के देती हूँ आपकी मर्जी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, आप जो मर्जी प्राइमरी से रिमूव करोगे, ठीक, दिस ऑल आर सेकेंडरी बट दिस इज नॉट, ठीक है, ये सेकेंडरी है, नहीं सारी है इसमें, इस केस में, ठीक है, दिस ऑल आर सेकेंडरी, देन ये आपने, ये प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज ऑल प्राइमरी, दिस इज क्वाटनरी, ठीक है। सीधा बना के प्राइमरी से रिमूव करो एक हाइड्रोजन, जो मर्जी प्राइमरी से, काउंटिंग इधर से शुरू कर देना, कर दिया। अब ये बनेगा एन पेंटाइल एल्कोहल, क्या बनेगा, एन पेंटाइल एल्कोहल बनाओ, एन पेंटाइल एल्कोहल किसका, ये बाकी चार प्राइमरी है, बीच वाला क्वांटनरी, क्वांटनरी चफो डिग्री बनाओ बेटे। एन पेंटाइल एल्कोहल बन गया, और ऐसी एल्केन को बोलोगे पेंटेन, ऐसे एल्केन को क्या बोलेंगे, पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है पहली वाली, पहली वाली क्या है, एन पेंटेन, बस इतने याद कर लो, बहुत है, एन पेंटेन, ठीक है, ठीक है। अब इसका सेकेंडरी पोजीशन से OH, ओ हाइड्रोजन रिमूव करके OH लेके आओ, क्वांटनरी, QUANTENARY, क्वांटनरी। सेकेंडरी पे आ जाओ बेटे, सेकेंड फर्स्ट स्ट्रक्चर में से, फर्स्ट स्ट्रक्चर में से सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करके OH लेके आओ, चारों साइड 4 डिग्री हो गया ना,
ठीक है, सेकेंडरी से रिमूव करो, फिर एल में ले आओ। हाँ, अब जब एल बना होगा तो ऐसे एल्केन को कहा जाता है आइसोपेंटेन। लिखो इसका नेम होता है, ये तीनों का नेम लिखो, दैट इज एन पेंटेन। दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। सो देयर आर थ्री आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, दैट इज एन आइसो नियो। तो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, समझ आ रही है? तो तीन एल्केन बन गई आपके पास, एन आइसो नियो। ठीक है, और अगर इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना हो तो इसे बोलोगे पेंटेन। ये सारे क्या हैं बेटे? कॉमन नेम्स, दीज ऑल आर कॉमन नेम्स। नाउ राइट डाउन आइसोपैक नेम ऑफ दीज, यहां तक करो। आइसोपैक नेम, तो फर्स्ट का क्या बन जाएगा? पेंटेन, इट विल बी पेंटेन। इसका बन जाएगा टू मिथाइल ब्यूटेन। टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, देखो ये सीधी चेन है तो ये पेंटेन। अब वन टू थ्री फोर नंबरिंग करनी है आपने, कि जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड पे लटक रहा है ना, उसको लीस्ट नंबर मिले। समझ आ रही है? ये चेन है ना सीधी, एक चेन में सबसे ज्यादा कार्बन, जितने सबसे ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए। की कर गया उसी टाइम से, गलत है। इस बारी हम बहुत औखे हो रहे हैं इस बारी। हाँ बेटी, सेकेंडरी वाला ना, जब मैं अल्कोहल करवाऊंगी ना तभी करना। अभी हाइड्रोकार्बन कर रहे हो ना, हाइड्रोकार्बन सीखो। प्रोपेन सीखा, आइसोप्रोपाइल सिखा दिया। एक एन ब्यूटेन बनाई, एक आइसो ब्यूटेन बनाई, दो बनाई, एक एन ब्यूटेन बनाई, एक आइसो ब्यूटेन बनाई। वैसे एक एन पेंटेन बनाई, एक आइसो पेंटेन बनाई, एक नियो पेंटेन बनाई। बनाई भाई, ये सीखो अभी। ठीक है, जब अल्कोहल करेंगे तभी करेंगे। धीरे धीरे नॉलेज लो, थोड़े आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा आपके अंदर। ठीक है, अब आगे एन पेंटेन, ये इसको क्या बोलोगे? टू मिथाइल ब्यूटेन। कैसे? वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन एटम है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। ठीक है, तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर, तो फोर ही बनती है। वन टू थ्री फोर, तब भी फोर ही बनती है। वन टू थ्री फोर, ये आपके लिए स्टार्टिंग ये है, ये आप यहां से काउंट करना शुरू कर रहे हो। मैं अगर इस तरफ से देख रही हूँ, मैं इस तरफ से भी तो काउंट करना शुरू कर सकती हूँ। मैं अगर नीचे से देख रही हूँ तो नीचे से काउंट करना शुरू कर सकती हूँ। मैं लॉन्गेस्ट चेन देखनी है बस। ये एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग हमेशा ये ही नहीं होती। स्टार्टिंग वो भी हो सकती है, स्टार्टिंग ये भी हो सकती है। पहली बात ये सुनो, समझ आ रही है? ये बोर्ड पे ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमने हमेशा ही ऐसे ही काउंटिंग करनी शुरू करनी है। हमने पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में आपने ये देखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। अब ये चेन में नहीं आ रहा, ये चेन के साइड में लटक रहा है, लटक रहा है, लटक रहा है। कोशिश करने पे भी नहीं चेन में आ रहा। वन टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर,
चेन में नहीं आ रहा तो ये साइड पे ही रह रहा है। अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रही हूं 1 2 3 तो ये जो साइड पे लटक रहा है वो थर्ड नंबर मिल रहा है इसको। तो हमने काउंटिंग उस तरफ से करनी शुरू करनी है जहां भी उसको सबसे छोटा नंबर मिले। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स हम आगे करेंगे करेंगे हम नेमिंग करेंगे पूरी, ठीक है। तो हमने लीस्ट नंबर इसको दे दिया 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जैसे इंटीजर होते हैं n 1 2 3, वैसे ऑर्गेनिक में इनको आर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहा जाता है। और इन जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है उसके लिए आप मिथाइल प्रोपाइल ऐसे यूज करते हो। जैसे हमने बोला एन प्रोपाइल मिथाइल इथाइल, समझ आ रही है? सोच मत कुछ, अब समझ ले बेटे। हमें पता बच्चे सोचने बैठ जाते हैं। तो दिस इज 2 मिथाइल, ये मिथेन ही रह गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये आर ग्रुप बन गया, दैट इज 2 मिथाइल, ठीक है। चेन कौन सी है? ब्यूट। सफिक्स कौन सा है? एन। तो वर्ड रूट क्या लगा? ब्यूट। और पीछे क्या लगा? एन। और प्रीफिक्स क्या यूज किया आपने? सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल। समझ आ रही है? अब यहां आ जाओ, अब इधर देखो। अगर इसमें लॉन्गेस्ट चेन चेन देखो 1 2 3, ऐसे भी 3 आ रही है, 1 2 3 ऐसे भी 3 आ रही है, 1 2 3 ऐसे भी 3 आ रही है, 1 2 3। चेन तो 3 की बन रही है और हर बारी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सेकंड पोजीशन आ रही है। तो सीधी काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3। अब 2 पोजीशन में 2 लटक रहे हैं, देखो 1 हेयर 1 हेयर, तो दैट इज अ मिथाइल, दैट इज अ मिथाइल। सो हमने मेंशन किया कि सेकंड पोजीशन पे 2 2 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल। और कितने कार्बन एटम है? 3 प्रोप। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन एन। समझ आ रही है? अब समझ आ गई, मुझे नहीं आता पूछ। मॉलिक्यूलर मतलब